हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे जो स्टिकर मिलते हैं उन्हें कैसे चिपकाते हैं, और ये आप इन्हें किस भी टाइप के वॉल पे चिपकाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो प्लास्टिक पेंटेड वॉल पे ही चिपकेंगे। मैं ये जो चिपकाऊंगा ये नॉर्मल वॉल्स पे मैंने चिपकाया है, और ये इज़िली चिपक भी जाते हैं और इज़िली आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। कोई अफेक्ट नहीं होगा दीवार पे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं जो छोटा छोटा पार्ट्स होगा उसे मैं स्किप कर दूंगा, और जो भी बड़े बड़े हैं जो वो मैं उसे आपको दिखाऊंगा। और लास्टली आप देखेंगे कि इसमें कितने अच्छा लगता है ये इसको स्टिक हो जाने के बाद वॉल। आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, और लास्ट में आपको मैं थंबनेल भी दूंगा जिसमें कि आपको स्पेसिफिकली पता चलेगा कि किस तरह से शुरू करना है। तो 1 से शुरू होगा और ओवरऑल 30 तक ये जाता है नंबरिंग। तो 1 से 15 तक वन साइड आएगा लेफ्ट साइड, उसके बाद फिर 15 से जो आगे होंगे 30 तक वो आ जाते हैं राइट साइड। अब देखिए इसमें जो 6 नंबर था वो बड़ा था, उसी तरफ 3 नंबर बड़ा था, 4 नंबर। तो जितने भी बड़े बड़े हैं मैं उसे आपको स्पेसिफिकली नोटिस करवा दूंगा, और आप इसको प्रॉपर देख लीजिए कि किस साइड वो प्रॉपरली स्टिक होगा। उसके लेंथ को नाप लीजिए, मेज़र कर लीजिए। अब ये मैंने नेक्स्ट साइड शुरू कर दिया है। तो इसका जो पार्ट्स था छोटा वाला और ये दो छोटे और बड़े पार्ट से मिल के बना है, तो उसको मैंने चिपका दिया है। ये थोड़ा स्किप किया है मैंने, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो देखने में भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि वो उस साइड का है जो वो कम्प्लीट हो गया। अब मैं इसे स्टिक करना शुरू कर रहा हूँ। Thank you.
इसमें जितना भी छोटा पार्ट्स है मैंने उसे स्किप किया है और जितना भी बड़ा पार्ट्स है उसी को मैंने दिखाया है। तो आप छोटे पार्ट्स को खुद ये स्टिक करने की कोशिश करें और जितने भी बड़े पार्ट्स है वो आपको वीडियो के अकॉर्डिंग फिट करने होंगे। ये सब आपको प्रॉपरली स्टिक करने होंगे तभी आप ये बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। आप इसमें कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट का, और ये क्लोथ से भी कर सकते हैं। क्लोथ से होता है क्या कि अगर आपका वॉल जो प्रॉपर प्लास्टिक पेंटेड नहीं है जैसे कि मेरा दिख रहा है आपको, तो उस पर क्लोथ्स ज़्यादा प्रॉपरली वर्क करते हैं और इससे फटता भी नहीं है स्टिकर और ज़्यादा ज़ोर से गिरता भी नहीं है। आप इसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं कभी भी और फिर वापस इसको स्टिक कर सकते हैं वॉल पर। तो ये फाइनली कम्प्लीट हो गया है। अब मैं अपने अकॉर्डिंग जो सेपरेटेड कली फ्लावर्स वो उसमें और ये बर्ड्स रहते हैं उसे आप स्टिक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इसमें आपको एक पैटर्न दिखा दूंगा, ये भी काफ़ी बेटर है अगर आप इसे ट्राई करें तो। अब ये दोनों स्टिक हो चुका है दोनों साइड, तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट होने के बाद मैंने एक बीच में फ़ोटो डाल दिया है जो कि ये भी खुद बनाया गया। इसका भी वीडियो मैं आपको बाद में बनाकर दिखाऊंगा और आप इसे बाय भी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटेड है वन साइड। ये बीच में मैंने पोस्टर रखा है बटरफ्लाई का, पोस्टर नहीं है ये थ्रेड का बना हुआ है वुल एंड नेल्स से मिलकर। तो ये कंप्लीट हो गया है आपका फ्लावर। लास्टली आपको थंबनेल भी इसमें मैं दिखाऊंगा कि वो किस तरह दिखता है जो उसमें दिया हुआ रहता है। ऑलरेडी इस स्टिकर के साथ एक पोस्टर रहता है बना हुआ, एक छोटा सा स्टिकर जिसमें कि आपको सारा का नंबरिंग ये सब दिया हुआ रहेगा। तो ये है, देखिए फार डिस्टेंस से कैसा दिख रहा है मेरा ये रूम। आप इसको फटाके भी लगा सकते हैं बीच में, ये पोस्टर जो भी ये है उसके बीच में आप लगा सकते हैं, टीवी भी लग सकता है आपका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।